Yes, good morning students. I am Rekha Sharma. Okay, मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ. ओके, कल मैंने आपको हिंदी में व्याकरण के बारे में बताया था. व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण से हम क्या सीखते हैं. ओके बेटा, आज का हमारा काम रहेगा भाषा. आज का हमारा क्या काम रहेगा? भाषा. ओके बेटा, सबसे पहले तो आप डेट मेंशन करोगे नोटबुक पे. ओके, डेट मेंशन करने के बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? ओके, भाषा किसे कहते हैं? ओके, ये देखो बेटा, भाषा किसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क किसे किसे आ गया, तो बाद में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना. ओके, अब देखो बेटा, हम भाषा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर या बोल कर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, या अगर हम सीधा बोलें तो विचारों के आदान प्रदान को भी भाषा कहते हैं. ठीक है, जो आपको इजी लगे, रट्टे नहीं लगाने, जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हो. ओके, विचारों के आदान प्रदान को भी हम भाषा कहते हैं, और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिख कर या बोल कर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के कितने रूप होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भाषा के कितने रूप होते हैं. ओके बेटा, भाषा के कितने रूप होते हैं. ओके, ठीक है, अब ये देखो, भाषा के दो रूप होते हैं, नंबर वन लिखित भाषा और नंबर दो मौखिक भाषा. ओके बेटा, लिखित भाषा वो होती है जिसको हम लिख कर किसी को बताते हैं. जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, आप इसका आंसर लिखोगे, तो वो होगी हमारी लिखित भाषा. मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, इसका आंसर जब आप मुझे लिख कर देते हो तो वो होती है लिखित भाषा, और इसका आंसर मुझे आप सुना देते हो तो वो होती है मौखिक भाषा. इसी प्रकार हम जो सुबह से शाम तक जो बातें करते हैं, कुछ बातें हम लिख कर भी करते हैं और कुछ बातें हम मौखिक रूप से, जैसे किसी का फ़ोन सुनना. ठीक है, जैसे मम्मी पापा के साथ सारा दिन हम बात करते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं, तो वो हमारी मौखिक भाषा होगी. ठीक है, और लिखित भाषा जैसे आप हमें लिख के दिखाते ही हो. ओके, ये हमारी लिखित भाषा होगी. ओके बेटा, ठीक है, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन है. इन दोनों क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे से लर्न करना है. लर्न करने के बाद बिना देखे होमवर्क में ये काम आपको करना है. आपका होमवर्क भी क्या रहेगा, ये बेटा आपका होमवर्क सेम है. ओके, आपका HW है सेम, यानी सेम क्लास वर्क. ठीक है, सेम क्लास वर्क. ठीक है, लर्न एंड राइट, सेम क्लास वर्क, लर्न एंड राइट. सेम क्लास वर्क क्या है आपका, लर्न एंड राइट. दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको लर्न करने हैं, फिर लिखने हैं. आपके चार क्वेश्चन हो गए, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण से हम क्या सीखते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के कितने रूप होते हैं. ओके बेटा, ये फोर क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, और कल मुझे ये लिख के भी दिखाने हैं. थैंक यू, हैव